नमस्कार को फिर स्वागत है आपको टुडेज न्यूज़ में और हर रोज़ की तरह आज फिर से हाजिर है झारखंड के बीच बड़ी खबरों के साथ। अपनी सुरक्षा के लिए खूब दौड़ी रांची, रन फॉर सेफ्टी को PSCM रघुवर दास ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने कहा झारखंड में DD और आकाशवाणी होंगे आधुनिक। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर नाराज बाबूलाल को मनाने पहुंचे सुबोध कांत, कहा सुलझ जाएगा विवाद। राज्यपाल से मिला JMM का प्रतिनिधि मंडल, कहा लेक्चर नहीं होने से पढ़ाई हो रही बाधित। अफसरों के गायब रहने पर स्पीकर नाराज, कहा झारखंड में ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं। चारा घोटाले में सज्जल चक्रवर्ती को मिली जमानत, CBI ने कहा लालू सहित सभी 6 दोषियों की बढ़े सजा अवधि। बाबूलाल को कांग्रेस दिखाएगी बाहर का रास्ता, नहीं मानेंगे तो महागठबंधन से हो सकते हैं आउट। BJP और RSS नेताओं की मौजूदगी में 120 लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी। टाटा स्टील यूरोप के CEO बिमलेंद्र झा ने दिया इस्तीफा। नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, पुलिस ने बनाया प्लान D। झारखंड में बर्ड फ्लू से हड़कंप, मुर्गों की खरीद बिक्री पर रोक। रांची में रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर के घर लाखों की लूट, परिवार वालों को बनाया बंधक। अफीम की फसल को रांची पुलिस ने किया तबाह, अवैध शराब की भट्टी की भी ध्वस्त। जमशेदपुर में 24 घंटे में दूसरी बार चोरी, दर्जनों वाहनों के पार्ट्स पर किए गए हाथ साफ। PLFI को हथियार सप्लाई करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। रांची में आयकर विभाग ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर मारा छापा। झारखंड में मौसम ने ली करवट, प्रदेश भर में बारिश के आसार। गणतंत्र दिवस परेड में हजारीबाग ग्रुप बना झारखंड बिहार में अव्वल। सरस्वती पूजा के दिन खुले रहेंगे स्कूल, विद्यार्थियों को मिलेगा मिड डे मील में विशिष्ट पकवान। झारखंड में क्षेत्रीय भाषा में बनी कई फिल्मों की शूटिंग पूरी, जल्द होगी रिलीज। ये थी झारखंड की जरूरी 20 है DM खबरें। हम हर रोज़ हाजिर होते हैं कुछ नए समाचारों के साथ, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहे हमारे न्यूज़ चैनल, और अगर आप हम YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।